अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग रहे हैं? मैं कॉर्बलाइन एनिवर्टी के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे, जहाँ होगे खुश होगे और एंजॉय कर रहे होगे अपने लाइफ को। आज मैं कॉन्क्रीट लॉबी में भाई सोलो स्क्वाड खेल रहा था, और मतलब सस्ती शायरी जो मुझे आज की याद आई है ना, वो आई है एक मैच से। उस मैच में मैं जल्दी मर जाता हूँ, लेकिन क्या हुआ था कि ऑल पे जब मेरा नाम आया ना तो सब चिल्ला रहे थे, अनोनिमस भाई, अनोनिमस भाई, अनोनिमस भाई। फिर आपका जो अनोनिमस है वो ऑल चैट पे गया, बात की तो फिर एक भाई मुझे कहने लगे, लेकिन कुछ उल्टा सीधा भी बोल रहे थे, गालियाँ वालियाँ भी चल रही थी, बट खैर हम वो चीज़ नहीं, पॉजिटिव चीज़ की बात करेंगे। तो वहाँ पे फिर एक भाई ने मुझे कहा, अनोनिमस भाई सस्ती शायरी सुनाओ। तो जाओ जो मैंने ना वहाँ पे तेज़ी से बना के, ठीक है, तेज़ी से बना के जो शायरी मैंने भाई को सुनाई थी, वही शायरी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ मेरी अनोनिमस पब्लिक। तो वो यूँ थी कि जिससे भरते हैं हवा उसे कहते हैं पंप। वाह 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 वाह, चेक कर रहे हो कैसी बातें बता रहा हूँ आपको, कि जिससे भरते हैं हवा उसे कहते हैं पंप। अभी टाइम नहीं आया, थोड़ा सा रुक जाओ। जिसे जिससे जिसे नहीं जिससे भरते हैं हवा उसे कहते हैं पंप, और अब मैं करने वाला हूँ जंप। और साथ ही मैंने जंप कर दिया था वहाँ पे, सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो वो बस जंप करते करते उनकी आवाज़ आई थी, वाह वाह वाह। तो फिर मैं जंप कर चुका था, तो मैं फिर अपने लैंडिंग वाली जगह पर चला गया था। तो मैंने सोचा भाई पब्लिक को ये शायरी सुनानी चाहिए, क्योंकि ये मैंने मतलब जल्दी से बना के उनको सुना दी थी, भाई खुश हो गए थे। तो ठोक को लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक, लाइक बटन ज़रूर दबा देना इस मैच में। अच्छा, इससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ। कल की वीडियो में आप लोगों ने इतना ज़्यादा बोला अनोनिमस भाई 200 बार स्पिन कर लो, 3 मटेरियल और मिल जाएंगे, ओम निकल आएगी, मेल कर रहे हो आप, इंस्टाग्राम पे टैग कर रहे हो भाई, हर जगह पब्लिक आपने आग लगा दी। फिर मुझे फाइनली जो है वो और स्पिन करके अपनी ओम अपग्रेड करनी पड़ी, वो आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में पार्ट। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, एंजॉय करते रहना, लाइक बटन दबा देना मेरी अनोनिमस की पब्लिक। हम लोग आए थे जॉर्जियो की सिटी, यहाँ पे ना अभी एक टीम सामने आई थी, अकेला खेल रहा था, लेकिन आपका अनोनिमस डर वर नहीं रहा था, रश कर रहा था कि देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। अगर मेरा माइनस होगा तो उनका भी, तो उनको भी तो माइनस का डर होगा, वो भी तो रैंक पुश कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम नहीं डरेंगे भाई, उनको डराएंगे। कर दिया उठा के बीपी बाइजन रश, देखो इतना टाइम ही नहीं लगाया भाई, फ़ौरन से रश कर दिया। यहाँ पे टीपी पी लेफ्ट से साउंड आ रहा था, मैं घुस गया, कान के नीचे लगाया, यहाँ पे फियर गेमिंग भैया को डाउन करके फ़ौरन से किया फिनिश। अब इनके टीममेट बाकी हैं, तो पहले हम लूट वगैरह करेंगे। हम 16 थी, इनके पास अगर एक भी हेड कनेक्ट हो जाता ना, मुझे ब्रेस्ट का मैम मर जाता, क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं था। ओके सॉरी था, ये शायद नहीं था, पता नहीं है पब्लिक। अभी इसके टीम के टीम में आए थे नीचे, और मैं वेट कर रहा था, साउंड वाउंड नहीं दे रहा था। हमारे खारिज को देखा, ओहो कान के नीचे लगाया, मिशाल मिर्ज़ा भैया को लॉबी भगाया, फिर की हमने मजे से लूट। ओके अच्छा, ये मिशाल अगर बहन है मेरी तो भाई सॉरी, मुझे नहीं पता भाई थे या बहन थे, अगर ये बहन थी तो जस्ट लॉबी भगाया, और अगर भाई थे तो कान के नीचे लगाया लॉबी भगाया, LOL LOL। फिर हमने की भाई मजे से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द ग्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। फिर हमने यहाँ पे एक AK उठा ली और एक उठा ली DP, क्योंकि जब अनोनिमस चलाता है DP। ओके गिरा दिया हमने, कार इंटर उठा ली, तो भाई छोड़ो अपना डायलॉग ख़राब नहीं करेंगे हम पब्लिक। अब यहाँ से जो वीडियो का टाइटल है, और जो वीडियो जिस रीज़न की वजह से मैं पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ से शुरू होता है वो। अब दो बंदे उतरे थे हॉस्पिटल, और जब मैं जा रहा था आराम से गाड़ी, भाई जब मैं आराम से गाड़ी लेने जा रहा हूँ मुझे जाने दो, नहीं यहाँ पे इन्होंने कर दिया भाई कीड़ा, ये मैंने मिस की पब्लिक, इनको मैंने इतनी बार नॉक किया, चलो मिल के काउंट करेंगे ठीक है। और मैं ज़रा कट नहीं करूँगा, स्नाइपिंग में मेरी जो मिस हो रही थी वो भी मिस हो रही थी, क्योंकि मैं भाई वो दो नंबर काम नहीं करूँगा कि जो शॉट्स मेरी कनेक्ट हुई वो आपको दिखा दी और जो मिस हुई वो मैं आपको ना दिखाऊँ, ये चीज़ एक गलत हो जाती है। तो मेरी जो स्नाइपिंग है, मेरी जो गेम है, आप लोग के सामने है, आपको अच्छी लगती है या आपको बुरी लगती है, भाई मैं ऐसे ही खेलता हूँ, नोबड़ा हूँ मैं। कान के नीचे लगाया, यहाँ पे हिटलर भैया को हमने किया डाउन, और ऐसे एक बार हम नॉक कर चुके हैं। अब आप देखना, बहुत से लोग होते हैं पता नहीं भाई इनके क्या दिमाग में कीड़ा होता है, क्या ख़ारिश होती है भाई हमारे कुछ भाइयों को, वो इतनी पीक देते हैं भाई, नॉक उतरेंगे पीक करते रहेंगे, नॉक उतरेंगे पीक करते रहेंगे, भाई पता नहीं क्या मिलता है। तो मेरी अनोनिमस की पब्लिक यहाँ कुछ ये डुओ ऐसे ही था, इनको मैंने इतनी बार कॉन्सेंट्रेट से नॉक किया ना कि आप भी तंग आ जाओगे, आप भी कहोगे यार अगर मैं उनकी जगह होता ना मैं यहाँ से निकल जाता। अभी मैंने जल्दी मारने की ट्राई की, क्योंकि वो मुझे दो दो बंदे एक साथ मारे थे। दोबारा कान के नीचे लगा, दूसरी बार इनके बंदे को किया डाउन। अब हमने दो नॉक दे दिए इस डुओ के, ठीक है हम टोटल काउंट करेंगे। हालांकि अच्छी पोजीशन पे हैं, हाइट पर हैं, मैं लो ग्राउंड पे हूँ, बस उनके पास जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि उनके पास स्नाइपर नहीं है। अब मुझे यहाँ पे सर्कल में भी जाना था, लेकिन भाई ये पीक देने से बाज नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हमने टक से तीसरी बार हिटलर भैया को किया डाउन, 3 नॉक हो गए भाई। लेकिन उन्होंने मेरे लेवल 3 का हेलमेट आधे से ज़्यादा उड़ा दिया, उनका DP का हेड कनेक्ट हो गया था, DP बहुत
ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक गाना है, ये सब आपको इल्म है पब्लिक। अब ना मतलब जब उसने यहाँ पे मुझे हेड मारा ना, यकीन करें मैं समझा बंदा गड़बड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से मारा था। और फिर हमने चौथी बार उनके टीममेट को नॉक कर दिया। कितने नॉक हो गए टोटल? 4, हम काउंट करते रहेंगे। उसके बाद पब्लिक मैं जाने लगा अपनी पोजीशन चेंज करके, गोल्डन हाउस की छत पे जाने का मेरा इरादा था। अब नॉक किया था तो मतलब मुझे पता था वो रिवाइव दे रहे होंगे, इतने में मैं अपनी पोजीशन चेंज कर दूंगा। एक्चुअली मेरा इरादा था कि भाई ये बंदे यहाँ बाज नहीं आएंगे ना मुझे जोन जाने देंगे, तो मैं ना इन पर रश कर दूंगा। तो लेकिन वो मौका ही नहीं दे रहे थे ना, वो क्लोज आ रहे थे, और अगर मैं मतलब उनको नॉक करके आगे जाता भी हूँ तो मैं ओपन में ही हूँगा, कि वो अपने टीम मेट को रिवाइव देके हाइट पे होने की वजह से ईजिली मुझे मार देंगे। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई ऐसी गलती करूँ। पब्लिक अब मैं आ गया था छत के ऊपर, उनको मेरी पोजीशन नहीं पता थी आई गेस, जंप वम्प करके देख रहे हैं। कितनी बार हमने नॉक कर दिया? 4 बार, आई डोंट नो, मैं भूल गया 4 बार किया या 5 बार, पता नहीं। हम चलो 4 गिनते हैं, गलत ना होगा, लेकिन चलो 4 गिन लेते हैं। पीक दे रहे थे वो, और मैं यहाँ से देख रहा था कि मौका मिले, कान के नीचे लगाया, 5वीं बार किया इनके बंदे को हमने डाउन। अब इतनी बार नॉक हो गए थे कि ये इतनी जल्दी ब्लीड आउट होते ना, और मज़े की बात मैंने जो इनकी हीलिंग है वो भी ख़त्म कर दी थी। पता नहीं हील कर भी रहे थे या बस नॉक के खड़े होकर फाइट ले रहे थे। फिर भी हम चलो हेडशॉट में ही नॉक कर रहे थे 12 बार। पब्लिक पबजी वाले भी कह रहे होंगे भाई मर ही जाओ, इतने बार नॉक होने का क्या फ़ायदा तुम्हारे। हम 5 बार चलो काउंट करते हैं, उन्हें 5 बार नॉक कर दिया। पब्लिक अभी भी भाइयों की जो मस्ती है ना ख़त्म नहीं हुई। अच्छा मैं इनकी जगह होता ना, और पब्लिक मैं ऐसे कार्डेंट से पिट रहा होता, मेरे पास हीलिंग ना होती और वो सब वाला सीन होता, तो मैं पीछे चला जाता, गैराज से गाड़ी लेके जोन चला जाता। लेकिन ये लोग बाज ही नहीं आ रहे थे। 5 बार नॉक हो गए, कान के नीचे लगाया लेकिन कान के पास से गुजर गई, एलो एल लॉल। कान के नीचे लगाया हिटलर भैया को, टक फिर टक बोल दिया मैंने, एलो एल लॉल। एक और बार नॉक किया। अब कितनी बार हो गए भाई? 6 बार। ओके तो हमने यहाँ पे 6 बार कर दिया नॉक। फिर भी अभी भी हमें 300 मीटर जोन जाना था और वो बाज नहीं आ रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता मैं भूल ना गया हूँ, ज़्यादा बार नॉक किया हो शायद से मैं भूल गया हूँ, पता नहीं। पर आप लोग काउंट कर रहे हो ना, आप लोग मुझे सबके सब कॉमेंट में बताना कि हमने इनकी खोपड़ी कितनी बार उड़ाई थी। फिर से देखना रिवाइव होके आ जाएंगे। एक होती कुत्ते की दुम होती ना, वो टेढ़ी होती है पब्लिक, है ना? हमने सबने मिसाल सुनी है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। पता नहीं इनका दिमाग भी वैसे ही था भाई, पता नहीं किस मिट्टी से बने थे अल्लाह के बंदे। ये बाज ही नहीं आ रहे थे, बाज ही नहीं आ रहे थे। मैं तंग आ गया मार मार के इनको, ये तंग नहीं आ रहे थे। कान के नीचे लगाया हिटलर भैया को, 7वीं बार भी नॉक किया भाई। हाँ अब मुझे ना था कि भाई अब मैं यहाँ तो ज़िंदगी तो यहाँ गुजार नहीं सकता, ये तो जा नहीं रहे, मुझे भी तो जाना है। तो मैं देख रहा था कि किस तरह मौका मुझे मिले और मैं गाड़ी की तरफ जाऊँ, क्योंकि गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई थी। हमारी जो ख़ारिश है वो भी हमारे साथ साथ छत पर घूम रहा है। ख़ारिश ख़ारिश को भी ख़ारिश हो रही है कभी इस छत पर हमारे पीछे पीछे। वो देखो अपना गुस्सा दिखा रहा है। भाई मुझे क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? उन एनिमिस को दिखाना, वो जो जा नहीं रहे ढीट इंसान। ओके मिस हो गया, हालांकि लगना चाहिए था। ओके जंप करके पीछे स्टाइल भी मार रहे हैं, मतलब एक तो पिट रहे हैं ऊपर से भी स्टाइल, वो जंप करके रीलोड कर रहे हैं गन। नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब क्या। पब्लिक 7 बार नॉक कर दिया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि दोबारा नॉक करूं उनको, क्योंकि मुझे भी हाथ में ख़ारिश होने लग गई थी। मज़ा आ रहा था भाई। अच्छा समटाइम आप स्नाइपिंग कर रहे हो, ओम आपके पास M24 हो या कार9 हो, जब आप नॉक करने लग जाते हो ना आपको भी मज़ा आता है यार। बार बार मतलब ऐसे तो अलग ही फील आती है ना, कि एक बंदा सामने वाले घर में आपसे स्नाइपिंग फाइट कर रहा हो, एक घर में आप कर रहे हो, उसका तो एक अलग ही मज़ा है। वैसे स्नाइपिंग बैटल करने में ना मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। पब्लिक अभी मैं AKM से फायर देने लग गया था कि वो अब तो पीक दे दें, अब AKM से मार रहा हो, लेकिन नहीं वो अपनी भाई अकल इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे मैंने रोटेट किया, मे बी वो लोग रोटेट करके नीचे आ रहे थे राइट साइड पे, और मैं काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहा था कि भाई आ जाओ मेले पाले बाबू, जल्दी से इधर आ जाओ, मैं बोर हो रहा हूँ। लेकिन नहीं भाई, और वहाँ पे किल, अभी हम जहाँ लैंड हुए वहीं हैं, और लोग भाई ड्रॉप फ्रॉप लूट के M249 चला रहे थे किल फील्ड में। अब फिर मैं डिसाइड किया, 3 सीटर खड़ा था लेकिन थोड़ा रिस्की था, और मैं डिसाइड किया कि मैं जाता हूँ गाड़ी पे, मैं जोन जाता हूँ भाई, तुम नहीं जा रहे ना जाओ। फिर दोनों ने स्प्रे देना शुरू कर दिया, लेकिन मैं जिगल विगल करके जोन में कवर में पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मैंने देखा तो ये खड़े थे। फिर हमने कान के नीचे लगाने की कोशिश की, हिटलर भैया बच गए, और हिटलर भैया फिर फ़ौरन से पीछे भग गए। इनके जोन ज़्यादा करीब था क्योंकि वहाँ से पैदल भी जा सकते थे, ज़्यादा नहीं है जस्ट 200 मीटर है। मुझे दूर जाना था और मुझे क्रॉस करना था ओपन एरिया, क्योंकि यहाँ पे रोड है। ओके ये हिटलर को कोई बॉट मिल गया था, इसने पीछे वहाँ पे बॉट को मारा। तो अब मैं वेट कर रहा था कि मुझे कोई सही मौका मिले, मैं फ़ौरन से जाके भग के गाड़ी में बैठूँ और यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि जोन आ रहा है। और जोन के बाहर रहना पता नहीं अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है ब्लू जोन के अंदर रहना। आपके अंदर फीलिंग आती है कि भाई चला जा डैमेज हो रहा है, वही फीलिंग आती है। तो मैं भी ना जोन के बाहर रहना पसंद नहीं करता पब्लिक ज़्यादा। मैं रैंक कुछ भी करता ना तब भी आप मेरे गेम प्ले देखते हो, मैं इतना सर्कल के बाहर नहीं रहता। तो यहाँ पे भाई हमने टीका लगा लिया था एड्रेनालिन,
और जितनी बार मैंने नॉक किया ना, जितना ज़्यादा मेरा डैमेज था इस मैच में, मुझे भाई मैं कह रहा हूँ दो 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 चिकन के पॉइंट्स मिलने चाहिए, मुझे 50 पॉइंट देने चाहिए पबजी वालों को, लेकिन नहीं। वो बॉट भैया आए थे, जैसे मैं बॉट भैया का साउंड आया, हमने कहा वाह 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 ये हुई ना बात, अब आएगा ना मज़ा, अब हमारी केडी होगी ना ज़्यादा। बॉट भैया को मार के केडी ज़्यादा करने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया चलो भाई जाते हैं जोन में। फ़ौरन से भागा गाड़ी की तरफ और गाड़ी उठा के हम फ़ौरन से बाबा जी निकल जाएंगे। आई गेस 7 बार 9 को या 8 बार पता नहीं, मैंने फ़ौरन से यहाँ पे भाई तेज़ वाली गाड़ी उठाई और मैं ना आगे जो स्क्वाड हाउस था ना, पब्लिक अनॉनिमस हाउस, वहाँ पे जाना चाहता था। अब मैं जोन में भी चला जाता इनको छोड़ के, लेकिन ये जो है ना फायर करने लग जाते हैं दोबारा। जब इन्होंने किया फायर मैं समझ गया भाई मुझे यहाँ पे रुकना ही चाहिए, ये कर दिया था ना चला दी थी गोली, फायर कर दिया था। जैसे मैं आया हूँ इनका एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच गया था भाई और ऊपर भाग रहा था। हाय हाय सर जी, कान नहीं बम पे लगाया बकरा बनाया। और भाई ये रेस्पिन पीर पता नहीं अजीब सा नाम था भाई का, मुक्के मुक्के मार के फिनिश किया मैंने भाई। और अब इनके टीम मेट बचे हैं, अब ये मेरे ख्याल 9 बार हो गया पता नहीं, ये पब्लिक 8 बार हो गया, मैं खुद भूल गया। अब मैं टाइटल में या 9 डाल दूंगा या 10 डाल दूंगा, क्योंकि अभी एक बंदा रहता है नॉक या नॉक जो थे, अब वो सही तो आप कमेंट में बताना। वो लेट के मार रहा है भाई, सही से नज़र भी नहीं आ रहा था मुझे, उसको भी स्नाइपर मिल गई, अब आएगा ना मज़ा, क्योंकि सामने वाले के पास भी स्नाइपर है और जब दोनों के पास हथियार हो ना तभी फाइट का मज़ा आता है। ये मैंने बॉडी शॉट मारा पब्लिक, मेरा भी हेलमेट डैमेज है, अगर वो मुझे हेड शॉट मारता है वो मैं डायरेक्ट मर जाऊँगा, अगर मैं उसे हेड शॉट मारता हूँ तो वो डायरेक्ट मर जाएगा। तो यहाँ पे अब आप कह सकते हो कि एकदम इक्वली फाइट हो रही थी। अगर वो एक अच्छा प्लेयर है तो मुझे ज़रूर मार देगा, लेकिन अगर मैं लाइक ठीक स्नैपिंग कर रहा हूँ तो मैं उसको लॉबी पहुँचा दूंगा। तो ये हमारा एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया था, हालांकि मैं छत पे था और वो बंदा जो है ना रिजिस पे लेफ्ट राइट जाके मार रहा था, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता था, मतलब अगर वो पोजीशन चेंज करके मारता तो उसके पास एक एडवांटेज है कि वो पहला शॉट मारेगा, ठीक है। वो मेरा मिस होता तो एक अलग बात है, मतलब उसका मिस हो जाए तो एक अलग बात है, वो पोजीशन चेंज करके पहला शॉट मार सकता है और फिर मैं उसको स्पॉट करूंगा, देखूंगा कहाँ है, और फिर मैं उसके उसके पहले शॉट के बाद मैं अपना कार्नेटिक का शॉट उसको मारूंगा। तो वो एक इस एडवांटेज में था क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था वो किस साइड पे जा रहा है, तो इसलिए मतलब उसको फ़ायदा था थोड़ा सा, क्योंकि मैं था छत पे ही। छत पे तो आप देखो किसी भी एंगल पे जाओ आपको पता है ये छत पे बंदा है, ये जगह चेंज कर रहा था अपनी। और अब मैंने इनको इतनी बार नॉक किया था कि इनकी हीलिंग ख़त्म हो गई थी, हमने टक से भाई बॉडी शॉट मारा हिटलर भैया को, हीलिंग वीलिंग नहीं हो गई, मर गए। तो फिर हमने फ़ौरन से रीलोड वीलोड की, आधा मैच ख़त्म हो गया और हमारी स्नाइपिंग ही चल रही थी हिटलर विटलर भैयाओं के साथ। फाइनली भाई फिर हमने लूट की, फिर हमने खुशी से भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोला कि जान छुड़ा ली भाई ये ढीठ, दोनों ढीठ जो रैंक पुशर्स थे इनसे, भाई ये मर जाओ या मार लो, नहीं नॉक पे नॉक खेली जा रहे हैं, नॉक पे नॉक खेली जा रहे हैं, काफ़ी लंबा सीन हो गया था। उसके बाद मेरी अनॉनिमस की हमने भाई अपनी जो तेज़ रफ्तार गाड़ी है उसको उठाया और फ़ौरन से भगाया जोन की तरफ। चलते हैं यहाँ पे, मैं काफ़ी ज़्यादा गेम प्ले आपके लिए कट करने वाला हूँ। पब्लिक ड्रॉप आया था पीछे लेकिन मैं ड्रॉप की तरफ जा नहीं रहा था, मुझे बग्गी रुकी नजर आती है, मैं देखता हूँ भाई साहब खड़े थे, जैसे ही मैंने मारा कार्नेटिक शॉट वो चल पड़ा गाड़ी में बैठा, फिर एक बॉडी शॉट दिया और ऐसे टक से भाई भाई के कान के नीचे लगा के इनको लॉबी भगाया। 6 किल अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो चुके थे, हमारा डैमेज अभी मैं कह रहा हूँ क्या पता 1500 2000 हो, जितनी ज़्यादा डैमेज हमने दिया था पब्लिक। अब यहाँ पे जोन ना यहाँ से भी चला जाता है, नहीं अभी जोन नहीं जाता, अभी यहाँ पे गाड़ी आ जाती है, LOL LOL मैं ही भूल गया था, साउंड आता है मैं उसको ऑन करके खड़ा हुआ, गाड़ी आके ना रुकती है और यहाँ पे ये एक ही बंदा होता है पब्लिक। अब एक अच्छा गेम प्ले जा रहा था तो मैं नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊँ, देखो मैं बड़ा पीक देख के प्रॉपर तरीके से ईजिली मतलब नहीं जाना चाहता था उसके आगे मरने के लिए, बड़ा प्रॉपर तरीके से सोच समझ के फाइट लेना चाहता था। फिर मैं आगे रश करने गया तो वॉल की दूसरी साइड से इधर आ गया था, मैंने फिर प्री फायर दिया, यहाँ पे आके उसको स्पॉट करने लगा, वो भाग जाता है वेयरहाउस के अंदर। अब जब भाई हमारे वेरोस के अंदर भागे और मुझे डर भी लग रहा था उसके पास पता नहीं कोई ऑटो गन लग रही थी मुझे M249, तो आगे जाते हुए डर भी लग रहा था। फिर मैंने एक नेड निकाला और नेड फेंक दिया डब्बे की इसी तरफ जहाँ पे मतलब समझ आई फेंक दिया, और यहाँ पे रहमत भैया जो है वो P4 रहमत भैया के कच्चे में पड़ता है नेड, भाई हो जाते हैं फिनिश। फिर हमने भाई क्रेट पे किया स्मोक और फ़ौरन से क्रेट ओपन की जाएगी, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट ये जो टैप 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 इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। फिर हमने पेट गुर्दे फेफड़े सब कुछ भर के लूट की, M249 थी भाई के पास तो वो हमने ले ली थी। फिर अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी उठाई और मैं फ़ौरन से पहुंच जाता हूँ सर्कल के मिड में, मेरी अनॉनिमस की पब्लिक। मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि कभी भी अगर आप रैंक पुश कर रहे हो सर्कल के मिड में मत आओ, ज़्यादा लाइव होते हैं आपको हर तरफ से पड़ती है, लेकिन मैं क्योंकि किल करना चाहता था इसलिए मैं सर्कल के मिड में आ गया था। अगर आप रैंक पुश कर रहे हो
तो आप एजेस ही खेलो, आपको आप जोन में जिस जगह जाते हो आपको वहाँ का अच्छे से आइडिया होना चाहिए, मतलब आप सर्कल टू सर्कल मूव करो। मैं मिड में आ गया था क्योंकि मैं चाहता था मेरे थोड़े 10 से ज़्यादा किल हो जाएं, और इस टाइम मतलब वो जो माइनस का इतना डर है वो भी नहीं है, तो इसलिए मैं मिड में आके थोड़े और किल उठाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन उस साइड पर पब्लिक खड़ी हुई थी गाड़ी, जो कि आपको भी नज़र आ गई होगी। तो गाड़ी थी इसका मतलब बंदे भी होंगे, थोड़ी देर बाद मुझे बंदे नज़र आ जाते हैं पैदल भाग रहे होते हैं जोन की तरफ, क्योंकि सर्कल उनके पास से चला जाता है। तो मेरी अनोनिमस की पब्लिक जैसे कि आप देख सकते हो सामने दरख्त ही दरख्त हैं, कोई ज़्यादा अच्छा कवर नहीं है, तो वो एक मुसीबत में है। लेकिन उसको मेरी पोजीशन पता है, तो वो पीक लेके ना थोड़ा सा हवाओं में उड़ रहा था मेरा भाई, लेकिन उनको क्या पता, मतलब कान डेटा कान के नीचे लगाया, बनी भैया को बकरा बनाया, उनके टीममेट पे मैं प्रेशर लाया, और अब हमने उनके कच्चे में नेड कराया। वाह 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 वाह, सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। नेड हैंगा तो भैया पीछे भाग गया था नेड से डर के, लेकिन नेड फटता है और बनी भैया जो के रिवाइव हुए होते हैं फिर से हो जाते हैं नॉक, और दूसरे नेड से हमारे प्राइम किंग भैया भी मर जाते हैं। तो ऐसे हमने नेड से ही दोनों को कर दिया फिनिश, नॉक किल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो गए। फिर मैं आगे जाता हूँ सर्कल में, क्योंकि एक तरीके से मैंने अपनी बैक साइड क्लियर कर ली थी, और मैं थोड़ा सा आगे जोन में आ जाता हूँ। यहाँ बिल्कुल एच पे मैं सर्कल में था, जैसे ही आता हूँ मुझे एक बंदे का साउंड आता है पब्लिक। अब जैसे कि आपको पता है, मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि मैं फ्रंट पे जाके 1v1 नहीं लेना चाहता था, पहले आप ट्राई करो रैंक कुछ में कि आप नेड वगैरह से मॉली वगैरह से ही मार दो एनिमी को, लेकिन अगर आप नहीं मार पा रहे हो या आपके पास मॉली नेड नहीं है तभी आप रश करो। फिर मैंने यहाँ पर रश किया और आर्मी भैया जो थे इनको डाउन किया, तो 10 किल अलहमदिल्ला हमारे हो गए थे, पब्लिक 6 किल बाकी थे। हम जोन के एकदम एज पे थे। अब जब आप एज पे होते हो ना, तो जोन के सर्कल के साथ साथ जो बंदे आते हैं उन पर लाजमी नज़र रखा करो। देखो अब जो सर्कल के अंदर बंदे हैं वो तो हैं, मुझे पता है कि हाँ सर्कल में बंदे होंगे, पर एकदम से पीछे से जो पड़ जाती है ना वो काफ़ी काम खराब हो जाता है। तो यहाँ पे आपका अनोनिमस देखो अच्छे से जोन के एजिस पे देख रहा है कि कोई बंदा आ तो नहीं रहा, कोई पीछे से आके तो नहीं मार देगा, एकदम से स्प्रे देके डाउन कर दे, हमें पता ही ना हो पीछे बंदा है। तो यहाँ पे जब तक जोन नहीं आया मैंने पीछे देखा अच्छे से, और उसके बाद सर्कल आ जाता है मेरे पास पब्लिक, और बंदे रह जाते हैं 3 अलाइव। अब मुझे पहले मुझे लग रहा था कि ये सामने एक ही बंदा है, लेकिन जो डुओ था ना दोनों दोनों के दोनों बंदे उसी घर में थे, 3 अलाइव थे। मुझे लग रहा था एक बंदा घर में और एक राइट पे कहीं पे है, लेकिन ये घर वालों ने राइट पे जो ओपन में थे उन सबको मार दिया था। अब मुझे अभी शक होता है कि 2 बंदे हैं जब मैं गेम में था, अब तो चलो मुझे पता है क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ पब्लिक, लेकिन उस टाइम मुझे लग रहा था कि एक बंदा यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा कॉन्सेंट्रेट के उसके ऊपर स्कोप ऑन करने के बाद राइट साइड पे भी बार बार देख रहा था, लेकिन जब मुझे कंफर्म होता है 2 बंदे हैं तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मैप में, मिनी मैप में, कि उनकी जो कंपाउंड है उनका जो घर है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कल के बाहर है, जो नया सर्कल बना है, तो उनको सर्कल में आना है, और मुझे कोई यहाँ पे बाइक गाड़ी बग्गी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो उनको काफ़ी ओपन से आना था। 3 सीटर खड़ा है लेकिन वो भी इतना ओपन में, और 3 सीटर आपको पता है इतना अच्छा व्हीकल नहीं है जोन में आने के लिए, तो मैं लूट वगैरह कर रहा था। देख लो अभी मेरा पेट नहीं भर रहा, हालांकि मैच मेरे हाथों में, M249 कारन 8x 6x क्या क्या है मेरे पास, लेकिन फिर भी भाई दिल नहीं भर रहा था लूट से। अब पब्लिक भाई वो मुझे ट्राई कर रहे थे कि वहीं से मार दें, क्योंकि अगर वो सर्कल में आते तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाती है, और मैं चाह रहा था कि मैं उनका नॉक कर दूँ और वो ताकि सर्कल में ना आ सकें। अब यहाँ पे बॉडी शॉट दिया, लेकिन भाई को पता नहीं फिर से देखो क्या पाँव में खारिश हो रही थी, पी के दे रहे थे। यहाँ पे हमने इन अरबी भैया को किया डाउन, और आई गेस रिवाइव देने चले जाते हैं। इसी का मैंने फ़ायदा उठाया और पब्लिक मैं ना नेक्स्ट जोन में गाड़ी लेके आ जाता हूँ, शेक पे जाता लेकिन शेक जोन में नहीं था, तो मैं यहीं हाइट पे रुक जाता हूँ और दरख्त का कवर ले लेता हूँ। आई गेस उन्होंने दे दिया था रिवाइव, और वो अब राइट से भाग रहे थे, नहीं रिवाइव नहीं किया, राइट से जोन में भाग रहा था बेचारा। मैंने M249 निकाली, उसको इतना जोन का डैमेज पड़ा हुआ था कि मेरी एक बुलेट लगती है मॉन्स्टर भैया के बम में, और हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर मेरी अनोनिमस की पब्लिक। और जैसे कि कल की वीडियो में आपने सबने बोला था अनोनिमस भाई अरे थोड़ी सी स्पिन और कर लो, 3 मटेरियल मिल जाएंगे, हमने भाई गॉड से स्पिन की जो है ना, बाकी जितनी हमारी स्पिन रहती थी वो सब की, और जल्दी जल्दी मटेरियल निकाले। पहली बार ओपन किया कुछ नहीं निकला, दूसरी 10 बार ओपन किया हेलमेट निकला है जो कि ऑलरेडी आपको पता है हमारे पास था, तीसरे 10 बार ओपन किया तो एक मटेरियल निकला है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। फिर एक और बार हमारे हमने गॉडज़िला स्पिन की, लेकिन नहीं अब हमें 10 और करना और हमारे 200 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ओम निकलती है और उसके 3 मटेरियल हमें मिलते हैं, इसका मतलब जैसे हमने कल अपनी ओम लेवल 3 की थी, आज हमारी गॉडज़िला ओम लेवल 4 होने वाली है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी। आई गेस मटेरियल इतने जमा हो गए तो 6 मटेरियल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। तो पब्लिक यहाँ पे मैंने फैसला किया कि चलो भाई पब्लिक ने इतना हमें मैसेज, इतने मेल, इतना इंस्टाग्राम पे बोला तो लेवल 4 करते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर कर दी लेवल 4 हमारी AWM एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट। भाई हमारी अंग्रेजी कमज़ोर है, मैं कुछ उल्टी सीधी इंग्लिश बोलता हूँ, लोग मजाक उड़ाते हैं कमेंट में,
तो मेरी अनॉनिमस की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग जाती है तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना। अगर अच्छी लगती है तो सिर्फ प्यार करते रहना और सपोर्ट करते